ओला बोंजोर नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर मैं कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा हूं तो उसके साथ मुझे कोई बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर मेरे पास कोई भी बैचलर्स डिग्री है तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि मेरे को कौन सी बैचलर्स डिग्री करनी चाहिए अगर मैं फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा हूं तो उसका आंसर है कि आप कोई भी बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। लेट सपोज आपका कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपका साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप साइंस से रिलेटेड कर सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट? तो वहां पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि कंपनीज ये नहीं बोलती कि आपने कौन सी डिग्री करी है, वो बस ये कहती है कि आपकी एक बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और उसके साथ आप जोन सी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जहां पर उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपने कोई भी तो फॉरेन लैंग्वेज सीखी हुई है, बट उसके साथ आपको लेट सपोज पब्लिक रिलेशंस के अंदर आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेसिफिक यही है कि उनको पब्लिक रिलेशंस के अंदर डील करना आना चाहिए। तो कुछ जॉब्स होती हैं जहां पर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए, कुछ जॉब्स होती हैं जहां पर वो स्पेसिफिकली देखते हैं कि आपके पास पब्लिक रिलेशंस, लेट सपोज एक बेसिक फील्ड है जहां पे एम्बेसी के अंदर जब बात करते हैं तो वहां पर क्या है कि आपको चाहिए ही होती है कि पब्लिक रिलेशंस के अंदर, राइट? अब हम दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं कि लेट सपोज मैंने एक बैचलर्स डिग्री की मैं परस्यूइंग हूं, कि मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हूं, तब मेरे को जॉब मिल सकती है या फिर मेरे को पूरी एक बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, एज अ ग्रेजुएटेड ही मेरे को जॉब मिलेगी। तो उसका जो आंसर है वो ये है, लेट सपोज कुछ कंपनीज होती हैं जहां पर वो कहती हैं, लेट सपोज आपने B1 लेवल कोई भी लैंग्वेज का करा हुआ है, उसके साथ आप अभी परस्यूइंग हो, तो वहां पर कुछ कंपनीज हैं जो आपको ऐसे भी परस्यूइंग भी जॉब दे देती हैं, बट उसकी डिसएडवांटेज क्या होती है कि आपको जब आप वहां पर जॉब करना शुरू करते हो तो आपको 25,000 से 30,000 रुपये मिलने शुरू हो जाते हैं, और जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना तो हमें लगता है कि अब पैसा तो आ रहा है, मेरे को बैचलर्स डिग्री क्या करनी है कंप्लीट करके, राइट? तो वहां पर आप स्टक हो जाते हो, 3-4 साल वहां पे आप जॉब करते रहते हो, और उसके बाद लेट सपोज अगर आपको कोई डिग्री कंप्लीट करनी है तो उसके लिए छुट्टियां भी चाहिए होंगी। अब मैनेजर आपको छुट्टी देगा या नहीं देगा वो मैनेजर पे डिपेंड करता है और बिजनेस पे डिपेंड करता है, तो वहां पर बड़े सारे ज्यादा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अगर आपने परस्यूइंग के साथ ही जॉब शुरू कर दी है। बट अगर आप फोकस्ड हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है इतना, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप कहें कि अच्छा मैं इतना टाइम जॉब करूंगा लेकिन मेरे को डिग्री कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि उससे आपके आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स बड़े सारे खुल जाते हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, हमें ग्रेजुएट ही चाहिए। कि ग्रेजुएट का मतलब अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं, जैसे अमेजॉन की बात करूं या फिर अर्न एंड यंग की बात करूं, तो ये कंपनीज कहती है कि हमें ग्रेजुएट पर्सन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं कहती कि आप लेट सपोज आप परस्यूइंग हैं, उसके बाद आप आएंगे 6 महीने के बाद कहेंगे कि मेरे को 1 महीने की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे बैचलर्स के एग्जाम है। तो वो पहले ही ये कहती है कि आप एक कोई भी डिग्री को कंप्लीट करके आओ ताकि यहां पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपको कोई चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। और उसके बाद अगर एक और बात होती है कि लेट सपोज आपने B1 लेवल तक किया और आप परस्यूइंग हैं, तो आपके आगे आने वाले टाइम के अंदर ना आपका फ्यूचर के अंदर आप लॉन्ग जंप नहीं लगा सकते। वहां पर क्या होता है कि वहां पर आप स्टक हो जाते हो, और उसके बाद जो बड़ी कंपनीज होती है ना उसके अंदर क्या होता है, जब आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। कोई भी नेक्स्ट लेवल पे आप जाने के लिए, लेट सपोज आपका इंटरेस्ट था कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, राइट? तो आप अब अमेजोन के अंदर लेट सपोज काम कर रहे हैं, आपने लैंग्वेज एक्सपर्ट शुरू करा, लेकिन आपको पता है कि आप कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आपका वेबसाइट या फिर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो आपके जॉब प्रोस्पेक्टिव्स बड़े सारे साथ साथ में खुल जाते हैं। और उसके बाद एक और बेनिफिट ये भी होता है कि लेट सपोज आप ग्रेजुएट हैं, अब आप चाहते हैं कि मेरे को फर्दर स्टडीज करने जाना है उस कंट्री के अंदर,
तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करी हुई थी, अच्छा अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, वहां से मेरे फाइनेंसिस भी जुड़ गए हैं, 10-12 लाख रुपए मैंने जोड़ लिए हैं, तो मैं वहां से अब सीधा बड़ी जंप लगा सकता हूँ और कोई फॉरेन कंट्री के इसके अंदर जाके स्टडी भी कर सकता हूँ। तो वहां पे आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि जब आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के साथ साथ आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का, अनटिल एंड अनलेस कि आप बड़े ज्यादा ही फोकस है कोई भी चीज को करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या फिर आप परस्यूइंग है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कि मेरे को लॉन्ग टर्म में क्या करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब पैसा आना शुरू होता है ना, तो उसके बाद बड़े सारे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है जो वहीं पे स्टक है और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने परस्यूइंग के साथ ही स्टार्ट कर। एक और बेनिफिट भी होता है कि अगर आपने, लेट सपोज कहीं पे आपने ग्रेजुएट हैं, तो आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, 50,000-60,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखी है। तो वहां पर वो देखते हैं कि अच्छा ये ग्रेजुएट है और इसको हम ज्यादा पैसे दे सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव पे यहाँ पे रुकेगा। क्योंकि आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो कि जब कंपनी हायरिंग करती है तो हायरिंग कॉस्ट होती है, तो वो ये देखते हैं कि अच्छा एक बंदा ग्रेजुएट है, ये कम से कम 3-4-5 साल हमारे साथ रह के हमारे जो भी हमारा विजन है या मिशन है उसको फुलफिल करने में हमारी हेल्प कर सकता है। और उसके बाद एक मेरे को लगता है कि आपको इससे हेल्प मिली होगी कि आपको डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए कोई भी फॉरेन लैंग्वेज के साथ साथ। और मेरे को एक और अनाउंसमेंट करनी थी कि आप मेरे से बार बार पूछते हैं कि मैं जॉब कहाँ पर ढूंढूं, मैं जॉब कहाँ पर ढूंढूं, तो अभी इस टाइम पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो 900 अराउंड हैं। अगर आप 1000s को टच कर देते हैं तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के अंदर भी पोस्ट कर सकता हूँ जो जॉब्स हैं, जो भी जॉब्स अवेलेबल है, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ जाके अप्लाई कर सको और आपको हेल्प मिल सके। अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखी है तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, उसमें कुछ बुरा जाता नहीं है करने में। तो ऐसे ही मैं आपके साथ और भी एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आपका होराइजन बढ़े और ताकि आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अंटिल द नेक्स्ट।